नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेटोलॉजी पर। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएचडी वाइवा बोस एग्जामिनेशन, सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, या पीएचडी की मौखिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। तो ये रिसर्च मेटोलॉजी के तहत ये टॉपिक आज मैंने चुना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी का वाइवा देते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि उसमें वो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। बरसों से अपने अध्यापन के दौरान ये बातें मैंने महसूस की हैं। स्वयं मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पीएचडी का वाइवा दे चुके हैं, तो मैं उनको गाइड करता रहा हूँ कि वाइवा कैसे देना चाहिए। तो आज मैंने ये सोचा कि चलो आज इसके ऊपर एक वीडियो भी डाल देते हैं। संभवतः जो हमारे रिसर्च मेटोलॉजी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको इससे कुछ लाभ हो सकेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं चर्चा का, लेकिन उसके पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इतना छोटा सा मेरा अनुनय जो है वो आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं, सुनते तो हैं वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका क्या बिगड़ता है, मैं तो आपकी सेवा ही कर रहा हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं चर्चा। हम सभी लोग जो लोग रिसर्च करते हैं, कोई भी रिसर्च हो सकती है, वो पीएचडी की रिसर्च हो सकती है, एमफिल की रिसर्च हो सकती है, हो सकता है एमए का डिजर्टेशन हो, या किसी बड़े प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे हों, तो उसके लिए हमें वाइवा तो देना ही पड़ता है। यहाँ हम मुख्य रूप से पीएचडी वाइवा की बातचीत कर रहे हैं। तो वाइवा या मौखिक परीक्षा जिसे आप कहते हैं, मौखिक परीक्षा थीसिस तैयार करने की, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि थीसिस शोध प्रबंध तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसकी ये अंतिम परिणति है। यानी कि जब आपका वाइवा हो जाता है, मौखिक परीक्षा हो जाती है, उसके बाद ही डिग्री आपको अवार्ड होती है। तो कई बार क्या होता है कि हम ये समझ लेते हैं, जब हमने जिस दिन आखिरी बार हमने अपनी कलम को विश्राम दिया, यानी कि हमारे लिखने का काम पूरा हो गया, फिर हमने उसको थीसिस को टाइप करवा लिया, चेक करवा लिया, अपने सुपरवाइजर से बाइंड करवा लिया और प्री सबमिशन सेमिनार करवा लिया, उसके बाद फिर हम ये समझते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया, बस अब तो आप डिग्री मिली जाएगी। नहीं, अभी आपका काम नहीं ख़त्म हुआ है, अभी आपको और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, और ज़्यादा मेहनत करने की, परिश्रम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो आपने लिखने का काम खत्म किया है, लिख करके आपने जमा कर दिया। आगे की प्रक्रिया आप शुरू होती है थीसिस की जांच, दो या तीन परीक्षकों के द्वारा की जाती है। एक अकेला परीक्षक आपके थीसिस का मूल्यांकन नहीं करता है, कम से कम दो या तीन तो अवश्य होते हैं। ज़्यादातर मैंने तीन परीक्षकों को ही थीसिस की जांच करते, क्योंकि मैं स्वयं परीक्षक भी हूं और साथ ही साथ मेरे विद्यार्थियों की रिपोर्ट्स वगैरह मेरे पास आती रहती हैं, तो तीन एग्जामिनर्स की रिपोर्ट आती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कम से कम तीन परीक्षकों द्वारा थीसिस का मूल्यांकन किया जाता है शोध प्रबंध का। तो अधिकांश मामलों में बाहरी परीक्षक कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से लिखित थीसिस पर ही निर्भर करता है। यानी कि कोई जो बाह्य परीक्षक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर है, वो आपने जो कुछ भी लिख के भेजा है, जो कुछ भी आपने अपने शोध प्रबंध में लिखा है, उसी को आधार बना करके उसी के आधार पर वो मूल्यांकन करता है। तो पूर्वाग्रह से बचने के लिए जो भी शोध करता है उनको उनकी पहचान के बारे में, यानी आपको आपके एग्जामिनर्स के बारे में नहीं बताया जाता है। हो सकता है आपके सुपरवाइजर को मालूम हो, फिर भी वो एग्जामिनर्स के बारे में नहीं बताते हैं। प्रायः ऐसा होता है, मालूम भी नहीं रहता। जैसे मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अपने विद्यार्थियों के
कौन से एग्जामिनर थे मुझे नहीं मालूम था जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। तो इस तरह से मालूम भी हो तो शोधकर्ता को सुपरवाइजर बताते नहीं हैं, जिससे कि किसी तरह का भेदभाव ना हो, किसी तरह का पूर्वाग्रह हो। तो ये महत्वपूर्ण है कि शोधार्थी वाइवा से पहले परीक्षकों से कोई संपर्क न कर पाए, इसलिए उनको ये नहीं बताया जाता है। तो सभी जो परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं उनके पास थीसिस की एक प्रति भेजी जाती है, वो पांडुलिपि को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना करके वो अंतिम रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करके वो संबंधित विश्वविद्यालय को वो रिपोर्ट सौंपते हैं, उन्हें भेजते हैं, और रिपोर्ट के साथ उन्हें यह भी बताना होता है रिपोर्ट में कि क्या थीसिस मौखिक परीक्षा के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली है, यानी कि वो एक तरह से मौखिक परीक्षा की संस्तुति करते हैं अपनी रिपोर्ट में कि इनके काम का मूल्यांकन कर लिया गया है, उनका काम हर तरह से ठीक ठाक पाया गया है और इनका वाइवा बोस एग्जाम या इनकी मौखिक परीक्षा कराई जा सकती है। तो अगर थीसिस गुणवत्ता वाली होती है तभी मौखिक परीक्षा जो है वो कराई जाती है। तो इसलिए आपको मौखिक परीक्षा के पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो कुछ स्लाइड्स में लिख दिए हैं, इन पॉइंट्स को आप पढ़िएगा और इनको दिमाग में बिठा लीजिएगा कि ये काम आपको करने हैं। परीक्षकों को मौखिक परीक्षा से पहले एक दूसरे से संवाद करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि परीक्षक अगर तीन परीक्षक नियुक्त हुए तो उन्हें भी नहीं मालूम रहता कि वो तीन परीक्षक कौन कौन से हैं, उनमें आपस में संवाद नहीं होता है। और वास्तव में विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यह आवश्यक हो सकता है कि वो थीसिस के अपने प्रारंभिक मूल्यांकन को एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पूरा करें। तो प्रायः जो रिपोर्ट्स आती हैं एग्जामिनर्स की, वो रिपोर्ट्स जो है वो अलग अलग होती हैं, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है क्योंकि सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अपना नज़रिया होता है मूल्यांकन करने का। तो थोड़ा बहुत अंतर रिपोर्ट्स में हो सकता है, लेकिन प्रायः सभी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें वाइवा कराने के लिए संस्तुति की जाती है। तो इस स्तर पर यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है कि जो बाह्य परीक्षक हैं तीनों वो थीसिस के बारे में अपने निर्णय में कुछ भिन्न हैं। यह केवल ये महत्वपूर्ण होता है कि वो सभी यह महसूस करते हैं कि थीसिस को अब मौखिक चरण में आगे बढ़ना चाहिए, यानी वाइवा बोस का जो फेज है उसमें जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से जब रिपोर्ट्स आ जाती हैं तब वाइवा की तैयारी की जाती है। परीक्षक वाइवा से पहले थीसिस के बारे में अपने विचार जो है वो साझा करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परीक्षकों द्वारा अंतिम निर्णय थीसिस की गुणवत्ता और मौखिक परीक्षा में आपके प्रदर्शन के ऊपर आधारित होता है। अगर आप मौखिक परीक्षा, आपकी थीसिस गुणवत्तापूर्ण है और आप मौखिक परीक्षा में अच्छा करते हैं तभी जो है वो आपको थीसिस अवार्ड होती है। तो मौखिक परीक्षा के दौरान थीसिस के मुख्य बातों के वाचन की आपको अनुमति दी जाती है, आपसे ये कहा जाता है कि आप जो है अपने थीसिस का वाचन करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सामने आपको थीसिस का वाचन करना पड़ता है। थीसिस के वाचन का मतलब ये नहीं है कि पूरी थीसिस आपको पढ़नी है, जो मुख्य मुख्य बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके थीसिस में, जो जो आपके थीसिस के महत्वपूर्ण आयाम हैं, जो आपके मेन आर्गुमेंट्स हैं, जो आपने निष्कर्ष निकाले हैं, जो आपकी हाइपोथीसिस है, तो उन सब के बारे में आपको बात करनी है। जो आपका निष्कर्ष है, आपने क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने के लिए कहा जाता है प्रारंभ में। तो इस तरह से थीसिस के वाचन का उद्देश्य है शोध सामग्री से व्यापक रूप से परिचित होना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, अब वो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, और भी जो शोध वगैरह में रुचि रखने वाले लोग हैं
वो आ सकते हैं, क्योंकि ओपन वाइवा वोस होता है, यानी कि वाइवा वोस जो है वो खुला होता है, वो सबके लिए उसमें निमंत्रण होता है, कोई भी उसमें आ सकता है। तो इस तरह से मौखिक परीक्षा के दौरान आप पहले बताते हैं कि आपने ये विषय लिया है, इस विषय पर आपने क्या काम किया है, आपका जो काम करने का उद्देश्य क्या है, आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। कहने का मतलब अपने शोध प्रबंध का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने रखते हैं। तो हालांकि मौखिक परीक्षा में जब परीक्षक आपसे थीसिस के किसी विशेष भाग पर प्रश्न पूछता है, तो आम तौर पर आपको एक विशिष्ट क्रमांकित पृष्ठ पर एक पैराग्राफ या कई वाक्यों का उल्लेख करते हुए वो आपसे प्रश्न पूछता है कि आपने फला चैप्टर में इस पैराग्राफ में ये लिखा है, फला चैप्टर में ये लिखा है, इसका क्या कारण है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप थीसिस की अपनी प्रति में, मैं केवल इसलिए पहले प्रारंभ में कह रहा हूँ कि पहला काम जब आप जो है थीसिस, जब आपका वाइवा की आपकी तिथि निश्चित हो जाए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि री रीड योर थीसिस। आप अपने थीसिस को फिर से पढ़िए और बहुत अच्छे, आपकी अपनी जो कॉपी है उसमें जगह जगह आप मार्क कीजिए, जो मेन पॉइंट्स हैं मार्क कीजिए। एक कागज पेंसिल ले लीजिए आप, कागज के ऊपर मेन मेन पॉइंट्स लिखते जाइए आप। और तो यू शुड बी इंटीमेटली फैमिलियर विद ऑल पार्ट्स ऑफ योर थीसिस। तो आपको अपने थीसिस के प्रत्येक भाग से परिचित होना चाहिए, इंक्लूडिंग इट्स थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मेथडोलॉजी एंड कंक्लूजन्स। उसमें सब चीज़ है, आपको जो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, मेथडोलॉजी है, कंक्लूजन्स है, तो सभी भागों से थीसिस के आपको आपके परिचित होना चाहिए। आपके थीसिस का उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द एम्स एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके रिसर्च का, क्यों आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, और तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने वो विषय क्यों चुना, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, ये बातें आप बताएंगे। तो उसके अलावा आप देखिए, यू मस्ट प्रिपेयर अ स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ योर थीसिस। आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, वो रणनीति आप ये बनाएंगे कि जो आपके शोध प्रबंध के एसेंशियल, यानी कि जो बहुत ही प्रमुख हैं, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हाईलाइट आपको करना है। जब आप का वाइवा होगा, मौखिक परीक्षा होगी, तो उन बिंदुओं को आपको हाईलाइट करना है, वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये नहीं कि आप आ ऊ करने लगे वहाँ पे, तो वो बहुत बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी समय होता है, काफ़ी पहले से ही वाइवा की डेट निर्धारित हो जाती है, आपके पास कम से कम 15 दिन का समय रहता है। आप आराम से 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी एक एक महीने का समय भी मिल जाता है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रिपेयर ए स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ योर थीसिस। अब देखिए, थीसिस क्या है, थीसिस इज एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। थीसिस जो है वो एक मौलिक योगदान होता है। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो प्लेजरिज्म में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग बौद्धिक चोरी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग रिप्रोडक्शन कर देते हैं, तो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, नकल करके लिखते हैं। लेकिन प्राय यही माना जाता है कि जो शोध करता है वो कुछ मौलिक चीज़ें निकाल करके लाएगा, कुछ मौलिक उसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए जो है आप इस बात पे अच्छी तरह से ध्यान दें कि चूंकि थीसिस जो है एक मौलिक कंट्रीब्यूशन है आपका जो है, तो इसलिए परीक्षक लोग निश्चित रूप से स्वयं को संतुष्ट करना चाहेंगे कि आपको हर चीज़ का ज्ञान है। देखिए, तैयारी करने के लिए एक चीज और है कि हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में पहले रिसर्च के वाइवाज हो चुके हों, पीएचडी के वाइवा हो चुके होंगे पुराने स्टूडेंट्स के, उनसे आप संपर्क कीजिए।
आपके सुपरवाइजर के अंडर में ही जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे पूछिए कि आपका वाइवा कैसे हुआ था, क्या क्या सवाल पूछा गया था, कि कैसे शुरुआत हुई थी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो अपने अनुभव से आपको लाभान्वित करेंगे। तो टॉक टू फॉर्मर रिसर्च स्टूडेंट्स अबाउट दियर एक्सपीरियंस इन ओरल एग्जामिनेशन, ऑल दो नो टू वाइवाज आर द सेम। ये ध्यान दीजिए इस बात पर, ऑल दो नो टू वाइवाज आर द सेम एज द टॉपिक्स ऑफ द रिसर्च विल बी डिफरेंट। दो वाइवा कभी भी एक तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि टॉपिक अलग अलग होते हैं, रिसर्च के टॉपिक अलग अलग होते हैं, टॉपिक्स ऑफ द रिसर्च विल बी डिफरेंट। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातों से जो पुराने स्टूडेंट हैं वो आपको लाभान्वित कर सकते हैं, वो आपको पूरी प्रक्रिया बता सकते हैं, पूरी प्रक्रिया समझा सकते हैं, शुरुआत कैसे होती है वाइवा वगैरह की वो आपको बता सकते हैं। तो इसलिए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप अवश्य मिलिए। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है कि डिस्कस विद योर सुपरवाइजर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वाइवा। देखिए, आपका जो सुपरवाइजर होता है, आपका सुपरवाइजर ही सब कुछ है आपके लिए, वही माई बाप है, वही आपके लिए सब कुछ है, उसके निर्देशन में आपने काम किया है। तो इसलिए जो है, जब तक वाइवा नहीं हो जाता, डिग्री नहीं हो जाती, तब तक सुपरवाइजर की कदम कदम पे आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अपने सुपरवाइजर के साथ वाइवा का क्या स्ट्रक्चर होगा, यानी उसका जो ढांचा होगा वाइवा का वो किस तरह का होगा, कैसे कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे काम किया जाएगा, तो अपने सुपरवाइजर के साथ आप उसको अच्छी तरह से डिस्कस कीजिए, यानी उसकी चर्चा आप कीजिए उनके साथ वाइवा के बारे में। उसके अलावा दूसरी बात, सुपरवाइजर के साथ आपको क्या करना है, अरेंज लॉन्ग डिस्कशन सेशंस विद योर सुपरवाइजर बिफोर द एक्चुअल वाइवा बोस एग्जामिनेशन। मैंने ये देखा है अक्सर कि विद्यार्थी जो है वो वाइवा के दिन आराम से ठाट से आते हैं, सुपरवाइजर से पहले जो है वो लंबे लंबे समय तक उनके साथ बैठ के नहीं करते हैं, नतीजा ये होता है कि वाइवा में फिर उनको मुँह चुराना पड़ता है कई बार। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने सुपरवाइजर के साथ लंबी चर्चाओं का सेशन जो है वो आप कीजिए, घंटे भर, दो घंटे भर, ढाई घंटे भर, जब भी आपके सुपरवाइजर के टाइम है आपके, उनके पास, सुपरवाइजर के पास, शोध निर्देशक के पास, उनके साथ बैठिए और एक्चुअल वाइवा बोस एग्जामिनेशन के पहले, यानी एक्चुअल वास्तविक वाइवा के पहले उनके साथ बैठ करके आप बहुत सारी बातें उनसे पूछिए, समझिए, सीखिए। मॉक वाइवा भी अगर वो आपका लेते हैं तो मॉक वाइवा भी आप कीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। उसके अलावा देखिए, प्रैक्टिस स्पीकिंग क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, बहुत ये बहुत आवश्यक होता है। मैंने बहुत वाइवाज में देखे हैं कि जो विद्यार्थी हैं उनकी घिग्गी बन जाती है, ऐसा लगता है जैसे उनको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप अपने घर में शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन वगैरह के सामने खड़े होकर बोलिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, खूब कॉन्फिडेंटली बोलिए। जो आपने मेन मेन पॉइंट्स अपने थीसिस के निकाले हैं उनको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखिए और उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए, बढ़िया से बढ़िया सेंटेंसेज अपने मन में फ्रेम कीजिए, बढ़िया से बढ़िया शब्दों का चयन कीजिए, क्योंकि देखिए सब कुछ उसी पे निर्भर करता है। और कॉन्फिडेंस, विश्वास की झलक चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए, चेहरे पे हमेशा एक हल्की मुस्कान होनी चाहिए, चेहरे से ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि विद्यार्थी डरा हुआ है। विद्यार्थी जो है वो, कितने लोगों को मैंने ये देखता है वो जवान लड़खड़ाने लगती है, वो शरीर में कंपकंपी छूटने, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स जो हैं भाई, देखिए जो एग्जामिनर्स आते हैं, एग्जामिनर्स भी मनुष्य ही हैं, वो भी जिनके साथ आप हमेशा रह, आपका सुपरवाइजर जैसे है वैसे एग्जामिनर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी अलग मिट्टी के बने हुए हैं। और बहुत ही जितने भी एग्जामिनर्स बाहर से आते हैं वो सारे एग्जामिनर जो है वो बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, नहीं भी होते हैं तो उस समय बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, एक बड़ी डिग्री मिलने वाली है विद्यार्थी को, तो इसलिए वो बहुत ही आराम से काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए विश्वास आप में होना चाहिए,
बेटर अरेंज मॉक वाइवा सेशंस विद योर सुपरवाइजर, ट्राई टू गिव कंसाइज रेस्पॉन्स एंड अवॉइड लॉन्ग एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन। तो देखिए इन बातों पर ध्यान दीजिए, अभी मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी है, लेकिन ये बेसिक बातें हैं जो आप पहले सुन लीजिए। तो आप मॉक वाइवा सेशंस, आप अपने दोस्तों से कहिए कि हाँ भाई आप हमसे क्वेश्चन पूछो, अपने सुपरवाइजर से कहिए, डिपार्टमेंट के दूसरे टीचर्स हैं आप उनसे कहिए, अपने घर में जो आपके माता पिता हैं उनसे आप, उनके साथ भाई वगैरह हैं बहन हैं उनके साथ बैठ करके मॉक सेशंस वाइवा का कीजिए। तो इससे जो है वो आपकी, जिसे कहते हैं ना, हिचक दूर हो जाएगी। खूब कॉन्फिडेंटली बोल्डली बोलिए, बिना डरे। और साथ ही साथ देखिए, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उन प्रश्नों का रेस्पॉन्स छोटे छोटे वाक्यों में दीजिए। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन देने की या बहुत लंबी व्याख्या करने की कोशिश न करें प्रश्नों की, नहीं तो आप उसमें उलझ जाएंगे, एग्जामिनर आपको उलझा लेगा, आपको उसमें फंसा देगा वो। तो इसलिए ट्राई टू गिव कंसाइज रेस्पॉन्स एंड अवॉइड लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस टू द क्वेश्चंस। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है, अगर आपसे कहा जाता है कि आप थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, तो निश्चित रूप से आप कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से ही एक वाक्य में ही बोल के रह जाइए, नहीं, ज़्यादा लंबा ना बोलें। अगर वो कहते हैं कि हाँ इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, तब आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके अलावा देखिए, जनरल क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस, सीधे सीधे सवाल जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो वो सवाल आपसे इस तरह के हो सकते हैं कि जो है वो आपने ये विषय शोध के लिए क्यों चुना, आपने अपने नमूने के लिए विशेष क्षेत्र क्यों चुना, डेटा एकत्र करते समय आपको अनुसंधान क्षेत्र पर किस प्रकार का प्रभाव महसूस हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे थे जब आप मटेरियल कलेक्ट कर रहे थे, आप लाइब्रेरीज में जा रहे थे, आर्काइव्स में जा रहे थे, या जहाँ कहीं से भी फील्ड वर्क करके इंटरव्यू लेकर के, तो उस समय आपको कैसी फीलिंग आ रही थी, आप इस विषय पर पहले जो शोध कार्य हुए हैं उनके बारे में आप कितना जानते हैं, और इसके पहले जो कार्य हुए हैं उनमें से कौन सा शोध कार्य ऐसा था जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिली या बहुत ज़्यादा आपको फायदा हुआ, तो उसका आप उल्लेख कीजिए, उसका जिक्र कीजिए। फिर मान लीजिए आपके शोध कार्य में इंटरव्यू वगैरह भी लेना पड़ा है, तो आपने प्रश्नोत्तर बनाए होंगे, प्रश्नावली बनाई होगी, तो क्या आपको आपकी प्रश्नावली का संतोषजनक उत्तर मिला, आपने शोध में नैतिकता और मौलिकता का कितना ध्यान रखा है, आप प्लेजरिज्म से कितना बचे हैं, हालांकि आजकल उसका सर्टिफिकेट भी लगता है, तो आपके विचार में शोध निष्कर्षों का इस विषय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जो अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, स्टॉक ऑफ नॉलेज है, उसमें आप कितनी वृद्धि करेंगे, यानी जो ज्ञान का भंडार अभी है इस विषय पे, उसमें आप कितनी बढ़ोतरी करें, क्या आपको लगता है कि इससे फायदा होगा, देश को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा। तो दीज काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड। तो इसलिए जनरल क्वेश्चंस के लिए, जनरल क्वेश्चंस में भी आस्क्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि देखिए परीक्षक निश्चित रूप से स्वयं को संतुष्ट करना चाहेगा कि आपको पृष्ठभूमि साहित्य का अच्छा ज्ञान है, यानी कि जो लिटरेचर है पहले उसके ऊपर उपलब्ध है उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है, तो इसलिए जो है वो उसके बारे में वो जानना चाहेगा। परीक्षक आपकी कार्य प्रणाली, आपने किस तरह से कार्य किया उसके ऊपर आपके साथ विस्तार से बहस कर सकता है, वो कई मुद्दे हैं जिन्हें उठा सकता है, वो आपकी पसंद की शोध पद्धति या रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ सामान्य प्रश्न पूछ सकते हैं, या वो आपकी पद्धति के विविध पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, वो आपके शोध की रणनीति पर आपको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं आपने गलत तरीका चुना, आपने अगर इस तरह से किया होता तो आपका काम और अच्छा हो जाता। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको हड़का रहे हैं, वो कई बार क्या होता है वो जानना चाहते हैं कि आप उनकी बात का जवाब कैसे दे सकते हैं इस तरह। इसीलिए मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंट रहिए आप एकदम, तो इस तरह के सवाल उठ सकते हैं, तो इस तरह के सवालों से घबराना नहीं है।
जब भी अगर मान लीजिए वो आपके शोध की रणनीति को चुनौती देते हैं या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके निष्कर्षों को सामान्यीकृत करना किस हद तक वैध है, जनरलाइज कर देते हैं बहुत सारे निष्कर्ष जो है शोधार्थी, तो आप उसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। परीक्षकों के लिए आपके डेटा की वैधता, उसकी विश्वसनीयता के बारे में पूछताछ करना काफी आम बात है। वो आपसे किसी भी संभावित वैधता संबंधी जो डेंजर्स हैं, खतरे हैं, उस पर आपके विचार जानने का प्रयास कर सकते हैं। आपके द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए हैं उनके बारे में जानने का प्रयास वो कर सकते हैं। शोध नैतिकता और साहित्यिक चोरी का विषय भी जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर परीक्षक प्रश्न पूछ सकते हैं। हो सकता है वो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी थीसिस में से देख के आपको कह दें कि ये तो आपने यहाँ से लिया है, ये तो आपने यहाँ से लिया है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो परीक्षक जो है वो निश्चित रूप से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। तो द रिसर्चर मस्ट बी अवेयर ऑफ द रोल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। देखिए, इंटरनल एग्जामिनर आपकी वहां कोई मदद नहीं करेगा। जब वाइवा होगा, इंटरनल एग्जामिनर को जितनी मदद आपकी करनी होगी वो आप वाइवा से पहले कर देगा। जनरली इंटरनल एग्जामिनर का काम केवल इतना ही होता है, वो आपका परिचय करा देगा वहां बैठे लोगों से, शोधार्थी का आपका टॉपिक बता देगा, और उसके बाद फिर आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर के हवाले कर देगा, और फिर आपसे एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो सवाल पूछेंगे। तो इसलिए आपको दोनों का जो रोल है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये जान लीजिए, मैंने आपको बता दिया। एंटिसिपेट पॉसिबल क्वेश्चंस बीच में भी आस्क ड्यूरिंग द वाइवा वॉस एग्जामिनेशन, रिव्यू पोटेंशियल क्वेश्चन। तो देखिए, आप जो है परीक्षक जो प्रश्न आपसे पूछता है उनका आप पहले से अनुमान लगाइए। आप पहले से ही, आप जब थीसिस पढ़ेंगे तो थीसिस पढ़ते समय आप ये अनुमान लगाइए कि क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो परीक्षक निश्चित रूप से उन विधियों को बहुत ध्यान से देखेगा जिनसे आपने अपने डेटा का विश्लेषण किया है। यदि आपका डेटा मात्रात्मक है तो वो आपसे आपकी सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में पूछेगा। आपकी सांख्यिकीय प्रक्रियाएं जो हैं, जो आपने चार्ट्स वगैरह इस्तेमाल किए होंगे, टेबल्स इस्तेमाल किए होंगे, इन सब के बारे में वो सवाल आपसे पूछ सकता है। वो इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से सांख्यिकीय परिणामों ने आपके शोध के बारे में निकाले गए निष्कर्षों को प्रस्तुत किया है। अगर मान लीजिए आपका शोध जो है सर्वे वगैरह के ऊपर आधारित है तो उसकी वो बहुत गहनता से जांच करेंगे। इंटरव्यू वगैरह पे आधारित है काफी चीजें, तो उसकी भी बहुत गहनता से जांच करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो प्रश्न विभिन्न तरीकों से पूछा जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझाने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको कि आपका शोध आपके विषय में कैसे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अपडेट करता है, उसको किस तरह से जो है। इसीलिए क्या है कि नो द लिटरेचर एंड स्टे अपडेटेड ऑन रिसेंट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक। तो आप अपडेटेड रहिए, आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं उस विषय में और भी जो है रिसेंटली क्या क्या काम हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका काम उनसे अलग कैसे है, जिन लोगों ने उन विषयों पर काम किया है, उस विषय पर पहले भी काम किया है, आपका काम अलग कैसे है, तो आपके आर्गुमेंट्स अलग कैसे हैं, आपका लॉजिक अलग कैसे है, ये समझाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। परीक्षक को सामान्य रूप से, परीक्षक जब आपका वाइवा लेने लगेगा तो पहले इंटरनल एग्जामिनर जो है वो आपको परिचय दे देंगे, परीक्षक का परिचय देंगे, और फिर उसके बाद ये सब काम इसलिए होता है कि शोधार्थी थोड़ी आपकी तारीफ भी आपके इंटरनल एग्जामिनर कर देंगे कि इन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से काम किया है, क्योंकि आप उनके स्टूडेंट रहते हैं तो आपसे उनकी सहानुभूति रहती है। तो इसलिए आपको सहज बनाने के लिए, सहज महसूस करने के लिए एक दो बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न पहले जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो पूछते हैं। उदाहरण के लिए वो आपसे आपके थीसिस का संक्षिप्त विवरण पूछेगा कि आपने क्या काम किया है बताइए, और शोध को शुरू करने के मूल कारणों के बारे में भी वो सवाल पूछ सकता है। प्रारंभिक प्रश्नों के बाद वो पूर्व निर्धारित प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब एग्जामिनर थीसिस जांचता है, जैसे मेरे पास भी थीसिस आती है, मैं देखता हूँ, तो फिर उसके बाद मेरे दिमाग में रहता है कि अगर मैं वाइवा लेने का मौका मुझे मिला तो मैं ये चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा विद्यार्थी के साथ। तो इसलिए एग्जामिनर क्या करते हैं कि वो लिख लेते हैं,
बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो लिख लेते हैं, बहुत सारे मेन मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो उनको वाइवा में पूछते हैं। तो इसलिए जो प्रारंभिक प्रश्नों के बाद फिर जो प्रश्न उनके वो पहले से तैयार करके ले आते हैं एग्जामिनर परीक्षक, तो वो मौखिक परीक्षा में वो पूछते हैं। तो आमतौर पे मौखिक परीक्षा में कभी 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, हालांकि ये समय कम ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत सारे वाइवा तो आधे घंटे में भी निपट जाते हैं, लेकिन जब परीक्षक अपने प्रश्न पूरे कर लेता है तो वह वहाँ उपस्थित दर्शकों से भी कहता है, जो लोग रहते हैं, कि भाई मैंने तो पूछ लिया जो मुझे पूछना था, तो इसलिए जो है अब आप लोग चाहें तो आप लोग भी जो है इनसे जो कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप दर्शकों के सवालों के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि परीक्षक ही आपसे सब चीज़ पूछे, दर्शक भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए जो है आप उसके लिए भी तैयार रहें। तो देखिए आपको जो है शोधार्थी से पूछे जाने वाले जो कई प्रश्न होते हैं वो थीसिस के लिए बहुत विशिष्ट होते हैं, और उसके बारे में यहाँ मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। आपसे क्या पूछ लिया जाएगा वो मैं नहीं बता सकता आपको। हालांकि कुछ सामान्य प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं, कोई भी उनसे निपटने से पहले जो है उन प्रश्नों से व्यापक तौर पर रणनीतियां बना सकता है। तो कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉर क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप रणनीति बनाइए। उदाहरण के लिए कभी कभी परीक्षक पूछ सकता है कि आपने इस विषय पर काम किया है, इस विषय पर डॉक्टर एक्स ने और प्रोफेसर जेड ने हाल ही में बहुत अच्छा शोध किया है, उनका काम बड़ा दिलचस्प है, तो क्या आपने उनको पढ़ा है? तो देखिए यहाँ आप फंस सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर एक्स प्रोफेसर जेड को पढ़ा है तो ही आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। यदि आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो आपको निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर घबराना नहीं चाहिए। आप घबराइए मत, आप ये कह दीजिए कि सर थोड़ा सा आप उनके निष्कर्षों, डॉक्टर एक्स डॉक्टर वाई डॉक्टर जेड के जो निष्कर्ष हैं उनको थोड़ा सा संक्षेप में मुझे समझाइए, तो मैं अपने थीसिस के साथ उनको रिलेट करने का प्रयास करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे विचार उनके विचार से कहाँ तक मिलते जुलते हैं या कैसे अलग हैं। तो बिना घबराए आप इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास न करना सबसे अच्छा है जिसके बारे में आप स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं। बिना मतलब वहां अपनी बुद्धिमानी न दिखाइए। जब नहीं जानते हैं सीधे सीधे कह दीजिए मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। आप स्पष्ट करें कि आप प्रश्न पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। परीक्षक आपसे थीसिस में लिखे गए पैराग्राफ के विषय में स्पष्टीकरण देने को कह सकते हैं। जैसे कई जगह परीक्षक क्या होता है आपके थीसिस में मार्किंग कर देते हैं, मैं भी करता हूँ। मार्किंग करने के बाद पैराग्राफ को अंडरलाइन कर देंगे पूरे पूरे, और वो पेज नंबर नोट कर लेते हैं एक कागज पे, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि फला पेज नंबर पे तीसरे पैराग्राफ में या चौथे पैराग्राफ में आपने ये बातें लिखी हैं, आप उसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो अगर आपने थीसिस पूरी तरह से अपनी पढ़ी होगी, अच्छी तरह से बार बार पढ़ी होगी, तभी आप स्पष्टीकरण दे पाएंगे। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि री रीड योर थीसिस, बार बार अपनी थीसिस को आप दोबारा पढ़िए। ये नहीं कि आपने थीसिस काम कर लिया, काम करके फिर आप बैठ गए आराम से कि जब 6 महीने 8 महीने बाद रिपोर्ट्स आएंगी तब उसके बाद हम दोबारा पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं, उसको पढ़ते रहिए बीच बीच में। तो यदि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं तो आप तत्काल उत्तर दे सकते हैं। अगर आप आश्वस्त नहीं हैं, आपने नहीं पढ़ी अपनी थीसिस वगैरह ढंग से, तो फिर जो है आपको दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी आप घबराइए मत, आप ये कहिए कि सर कौन से पेज नंबर पे, आप अपना अपनी कॉपी में थीसिस में खोल लीजिए वो पेज, वो पैराग्राफ देख लीजिए। लेकिन अगर आपने थीसिस पढ़ी होगी अपनी अच्छी तरह से तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आदमी काम करता है तो उसे सब पता रहता है। परीक्षक आपसे कई कठिन सवाल पूछ सकते हैं जो है, लेकिन आमतौर पे वो उस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं कि जिससे कि शोधार्थी परेशान हो जाए। वो भी इस बात को समझते हैं कि वाइवा जो होता है वो एक तनावपूर्ण स्थिति होती है, बहुत टेंशन में होता है विद्यार्थी। तो इसलिए आमतौर पर जितना संभव होता है
वो बहुत ही विनम्र रहने का प्रयास करते हैं और उतना सहायक बनने का। वो बात बात में कई बार क्या होता है, कोई चीज़ पूछते हैं तो आपको थोड़ा बहुत हिंट भी देते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए बात। तो यह बात ध्यान देने योग्य भी है कि शोध के मुद्दों पर शायद ही कभी स्पष्ट और सटीक एकल प्रतिक्रियाएं होती हैं। परीक्षक के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के स्वरूप को समझ करके, क्या है, किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, उसको सरल ढंग से और बहुत ही संतुलित ढंग से उसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि अब जैसे जो आपने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की है, एक्सप्लेन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पे सवाल अक्सर होते हैं, तो आपकी जो मेथोडोलॉजी है, शोध प्रविधि है, उसका मजबूत पक्ष क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कई बार हमारे मेथोडोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती हैं, तो आप जो है उसको लेकर के सतर्क रहिए। साथ ही साथ हो सकता है वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि शुड द मेथोडोलॉजी हैव बीन डिफरेंट, क्या इससे अलग मेथोडोलॉजी नहीं अपनाई जा सकती थी, तो उसके लिए भी आप उसके उत्तर के लिए भी तैयार रहिए। आप कहिए कि भाई मेथोडोलॉजी हमने जो जो मुझे उचित लगा वो मैंने अपनाई, मेथोडोलॉजी तो बहुत सारी हैं और भी क्यों नहीं अपनाई जा सकती। तो देयर में भी क्वेश्चंस ऑन एथिकल इश्यूज, जो नैतिक मुद्दे हैं उनके ऊपर भी प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बौद्धिक चोरी कर लेते हैं, दूसरे की चीज़ें उठा के अपनी बता देते हैं, वो ये सोचते हैं एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, लेकिन एग्जामिनर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं, तो एथिकल इश्यूज़ भी उठ सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि उस तरह के इश्यूज़ ना आने पाएँ, ये बात जो है आप ध्यान में रखें। और अगला जो महत्वपूर्ण बात है अगली, वो ये है डिफेंड योर वर्क। आपका जो वर्क है यानी कि आपने जो काम किया है, आपकी जो थीसिस है, शोध प्रबंध है, आप उसका बचाव कीजिए, क्योंकि देखिए जब जो आपका शोध प्रबंध होगा वो आपको परेशान करने के लिए हो सकता है, या आपके कि आप कितने पानी में हैं ये जानने के लिए हो सकता है कि जो बाह्य परीक्षक है वो उसके बारे में कुछ अलग बातें करें। तो इसलिए आप अपने थीसिस का बचाव करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। मौखिक परीक्षा के दौरान थीसिस का बचाव करना अपने बहुत आम अवधारणा है। आपको अपने लॉजिक्स पे, आपने जो तर्क दिए हैं, आपने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उस पर एकदम दृढ़ रहना चाहिए, और उसके लिए आपको पहले से ही एंटिसिपेट कर लेना चाहिए, अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है, उसका उत्तर आप पहले से तैयार रखें। तो थीसिस लिखने के बाद आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपने जो कहा है आप उसका बचाव करें। सदैव तार्किक ढंग से प्रश्नों का उत्तर दें, कभी अतार्किक ना हो, इलॉजिकल ना हो। परीक्षकों द्वारा वाइवा में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी तार्किक क्षमता को साबित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, न कि इसलिए कि आपके शोध पर संदेह करते हैं वो। देखिए, आपने काम किया है, 4 साल 5 साल आपने काम किया है, तो निश्चित रूप से आप कुछ नई चीज़ें लेकर के आए होंगे, तो ऐसा नहीं कि आपके शोध पर संदेह कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ तार्किक क्वेश्चंस तैयार करते हैं और उनके उत्तर की अपेक्षा रखते हैं आपसे, तो आपके शोध को उस तरीके से संचालित करने के पूरे कारणों को समझना चाहते हैं कि किस तरह से आपने काम किया। तो इस तरह के प्रश्नों का सामना करने पर सबसे बढ़िया या सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण यह है कि आपने जो तर्क दिए हैं आप उसके ऊपर कायम रहें, यह स्वीकार करते हुए कि आप ये भी आप स्वीकार करिए कि आप इससे बेहतर कर सकते थे, ठीक है। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ लिखा बी ओपन टू फीडबैक। हाँ ठीक है, आप ये कह दीजिए कि ठीक है, इन बातों के ऊपर हो सकता है आपको कुछ नई बातें बताएं, तो आप ये कहिए कि सर हाँ ये बातें मेरे से छूट गई हैं, आगे जब मैं पुस्तक को पब्लिश कराऊंगा, प्रकाशित कराऊंगा, तो मैं ये बातें भी उसमें निश्चित रूप से जोड़ लूंगा। तो फीडबैक लेने के लिए भी हमेशा आप तैयार रहें, क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे आपको अपनी कमियाँ नहीं पता चलेगी, तो इसलिए फीडबैक
पहले भी थीसिस जमा करने से पहले भी लेते रहना चाहिए, बाद में भी लेना चाहिए। इसीलिए प्री सबमिशन सेमिनार कराया जाता है, जिससे कि आपको वहाँ से फीडबैक मिले, आपको अपनी कमियों को पता चले। तो इफ़ यू हैव प्लान्ड योर रिसर्च एंड राइटिंग केयरफुल्ली, यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू डिफेंड योर आर्गूमेंट्स। अगर आपने बहुत प्लान्ड तरीके से अपना रिसर्च किया है और लिखा है, उसको अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक लिखा है, तो आपके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप अपने तर्कों का बचाव कर सकें। इसीलिए बी कॉन्फिडेंट एंड फ्लेक्सिबल। आप कॉन्फिडेंट रहिए, यानी एकदम विश्वास से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर रहें, और लचीलापन भी होना चाहिए आपके अंदर। लचीलापन का मतलब यह नहीं कि एकदम अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के बारे में भी कहा जाता है ना कि वो लचीला संविधान है, उसमें 100 संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने जो लिखा है उसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फीडबैक के लिए भी आप अपना मस्तिष्क, दिल, दिमाग जो है वो खुला रखें। स्टे काम एंड रिलैक्स्ड। आप रिलैक्स्ड रहिए, शांत रहिए। अगर आप रिलैक्स्ड रहेंगे, शांत रहेंगे, तभी आप अच्छा बोल पाएंगे। ट्राई टू नो द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ योर एग्जामिनर्स, इट कैन हेल्प यू। आपके जो एग्जामिनर आने वाले हैं, तो वाइवा से पहले तो आपके सुपरवाइजर आपको बता ही देते हैं कि फला फला आदमी आ रहे हैं, तो उनके बारे में पता कीजिए कि उनका स्पेशलाइजेशन किस चीज़ पे है। जैसे मान लीजिए आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, तो आप पता कीजिए कि कौन से इतिहास में उनका स्पेशलाइजेशन है। वो आर्कियोलॉजी के हैं कि इकोनॉमिक हिस्ट्री के हैं कि कल्चर के हैं कि किस चीज़ के हैं, किस चीज़ में, मेडिवल के हैं, एंशेंट के हैं, मॉडर्न के हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, अमेरिकन हिस्ट्री के हैं, वेस्टर्न हिस्ट्री के हैं। इसी तरह से कोई भी हो, लिटरेचर का है, हिंदी लिटरेचर का है, तो उनकी रुचि आलोचना में है, उपन्यास में है, कहानी में है, नाटक में है, या कवि हैं वो कौन से विधा में हैं। इसी तरह से अगर आप इकोनॉमी में हैं, तो इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में उनकी रुचि है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, इंडियन इकोनॉमी में है, या वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो किसी विषय के, साइंस के भी हैं तो साइंस में किस विषय में उनका स्पेशलाइजेशन है। अगर आप ये जान लेंगे, तो अगर आप एग्जामिनर के सामने अगर आप एक दो बार आप ये कहेंगे कि आपकी इस किताब के बारे में मैंने सुना है, आपके इस काम के बारे में मैंने सुना है, तो इससे एग्जामिनर प्रभावित होते हैं। देखिए, अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। तो इसलिए आप जानने का प्रयास करें। स्टे फोकस्ड एंड काम ड्यूरिंग द वाइवा। ये मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप फोकस्ड रहिए। फोकस्ड किस चीज़ पर रहेंगे आप? तो फोकस्ड आप रहेंगे जो है, जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस्ड रहिए। वाइवा के समय बहुत ध्यान से सुनिए जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। लिसन केयरफुल्ली टू ईच क्वेश्चन। टेक अ मोमेंट टू थिंक बिफोर आंसरिंग। और आप उत्तर देने के पहले एक दो क्षण लीजिए। एंड स्टे कंपोज्ड थ्रू आउट। और लगातार जो है आप कंपोज्ड रहिए, ठीक है? एंड तो इस तरह से जो है, आप अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, हाँ, कुछ और एक दो बातें आपको और बता दें। जैसे मैं थीसिस के बचाव की बात कह रहा था, तो आप याद रखें कि आपने शोध की योजना बनाने में बहुत सोच विचार किया है, और आपने जो कुछ भी किया है उसमें से अधिकांश के लिए आपके पास उस समय वैध कारण थे। जो कुछ भी आपने किया है, आपके सुपरवाइजर ने बताया होगा ऐसा कर लो वैसा कर लो, आपने अपनी सिनॉप्सिस वगैरह बनाई थी, तो उन कारणों पर विचार करने का प्रयास करें और उन्हें परीक्षक को स्पष्ट रूप से बताएं कि मैंने इस कारण से जो है ये काम किया। तो ये मानने में कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए कि बहुत सारे विकल्प भी मौजूद थे, बहुत सारे और विषयों पर भी आप काम कर सकते थे, लेकिन ये विषय आपको अच्छा लगा, ये आप बात आत्मविश्वास के साथ बताइए। और यह भी याद रखने योग्य बात है कि आपकी जो थीसिस है वो, उसे आप विशिष्ट समझें। आपने अच्छा काम किया है, उसके सभी पहलुओं के बारे में आपको पूरा ज्ञान है, फिर भी विशेषज्ञ परीक्षक को शोध प्रबंध के कुछ विशिष्ट पहलुओं का ज्ञान आपसे ज़्यादा होगा, और उन्हें आपके शोध के विषय के बारे में भी आपसे ज़्यादा अच्छा ज्ञान होगा। तो जो कुछ भी आपको फीडबैक मिलता है वो आप लीजिए। दूसरी ओर, आप संभवतः जो है
आपने पिछले 4-5 साल लगाए होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप भी उस विषय के विशेषज्ञ हैं। आप अपने आप को कम मत आंकिए, कॉन्फिडेंट रहिए। लेकिन साथ ही साथ, जैसे मैंने बताया कि ऑलवेज स्टे फोकस्ड काम ड्यूरिंग द वाइवा, तो इस तरह से जो है इन बातों पे आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका वाइवा अच्छा जाएगा। उसके बाद जो वहाँ दर्शक वृंद बैठे हुए हैं, आप उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ अलग अलग विषयों के लोग हों। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई विषयों के जानकार भी होते हैं, जिज्ञासावश आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपका विषय ऐसा होगा जो कि बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन वाले लोगों को भी प्रभावित करता होगा, तो निश्चित रूप से वो भी आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो आप उनके सवालों का जवाब भी संतोषजनक ढंग से दीजिए। तो इस तरह से जो है आपका वाइवा पूरा होगा। मैं उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि आप जो बातें मैंने बताई हैं, देखिए ये बातें मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताई हैं। बीइंग ए टीचर, मैंने जो कुछ चीज़ें महसूस की हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं, और मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इन पॉइंट्स को आप बार बार दोहराइए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं। तो आप वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, पांच बार देखिए, और निश्चित रूप से आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं वही निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएँ, और मुझे बताएं जरूर आप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो, खराब लगा हो तो, मैं हर बार कहता हूँ जैसा भी लगे आप मुझे अवश्य बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा। शुभ रात्रि, नमस्कार, जल्दी उपस्थित होते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।